हाय गाइस, नमस्कार दोस्तों। डेल्टा नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का ये वीडियो है डी के किले से रिलेटेड। तो आज मैं आपको ले चलूँगा इस वीडियो में डी के किले में। डी जिसका प्राचीन नाम दीर्गापुर भी है, तो आइए चलते हैं डी के किले में। डी राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। ये भरतपुर जिला मुख्यालय से 32 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ से आप आसानी से जा सकते हो। तो मैं आप पहुंचा हूँ यहाँ डी का किला। देखिए, डी का किला और भरतपुर का किला दोनों सेम है। डी के किले की चारों तरफ भी एक खाई है जिसमें पानी भरा हुआ है। यदि अभी तक आपने मेरे भरतपुर के किले वाला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, जिसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगी। तो वहाँ से आप जाकर भरतपुर के किले को भी अवश्य देखें। यह है इसका मुख्य दरवाज़े में ऊपर देखिए जो ये पत्थर है इंटरलॉक हुए हुए है। इस दरवाजे पे देखिए बड़ी बड़ी लोहे की कील लगी हुई है। पुराने ज़माने में क्या होता था, दरवाजे तोड़ने के लिए घोड़े या हाथी अपने पांवों से ठोकर मारते थे तो उसे दरवाज़ा टूट सकता था। लेकिन इस दरवाजे की खास विशेषता ये है कि इसमें लोहे की कील, अगर हाथी भी ज़ोर से पाँव की ठोककर मारे तो हाथी के पाँव में ये कीलें चुभ सकती है। मिट्टी और पत्थरों से बना हुआ ये प्राचीन किला, वैसे किताबों में इसका वर्णन कम मिलता है लेकिन ये किला ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी इसमें कुछ रिपेयरिंग का काम चल रहा है। इस किले में 5 बड़ी बड़ी तोपें रखी गई है, जिनमें मुख्य तोप है लाका तोप, जो संभवतः भारत की सबसे बड़ी तोप है, जिसकी मारक क्षमता लगभग 200 किलोमीटर है। तो चलिए आपको दिखाते हैं लाका तोप। यहाँ पे देखिए, ये लाका तोप के ऊपर जाने का रास्ता है। इसमें इस तरीके का रास्ता है, सीढ़ियाँ नहीं बनी हुई है, सीढ़ियों टाइप की ऐसी रैंप टाइप बना हुआ है जिसमें फिसलने का थोड़ा बहुत डर है। तो अंदर से गैलरी काफ़ी ठंडी है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ऐसे लग रहा है ऐसी चल रही है जैसे। तो ये है डी के किले में स्थित सबसे बड़ी तोप, यानी भारत की सबसे बड़ी तोप। आपने सुना होगा एशिया की सबसे बड़ी तोप जयगढ़ किले में जेबान है। इसी तरीके से अगर देखें भारत की सबसे बड़ी तोप तो ये है लाका बाण, लाका तोप, जो डी के किले में स्थित है। ये देखिए, इस तोप के बारे में कहा जाता है कि इस तोप से यहीं से मतलब दिल्ली के दरवाजे उड़ा दिए थे, इसी जगह से दिल्ली के दरवाजे उड़ा दिए थे। ये इस तोप की खास विशेषता है। और ऐसा भी सुनने में आया है जब इस तोप को इस्तेमाल किया गया तब यहाँ ज़्यादातर लेडीज़ जो प्रेग्नेंट थी उसका अबॉर्शन हो गया था, इतनी खतरनाक ये तोप थी। ये तोप आगरा से लूट कर लाए थे यहाँ।
के इस किले का निर्माण महाराजा बदन सिंह ने करवाया था। तो महाराजा बदन सिंह और महाराजा सूरजमल के द्वारा निर्मित डी का ये किला, अब ज़्यादातर इसमें अवशेष मात्र है। ये मुख्यतः मिट्टी का किला है, इसके चारों तरफ एक खाई है जो सुरक्षा कवच का कार्य करती है। उस खाई में पानी भरा हुआ है, इसके चारों तरफ सुदृढ़ और काफ़ी चौड़ी प्राचीर यानी दीवार है। तो ये देखिए यहाँ से इस किले की दीवार ऊपर से कितनी चौड़ी है, कई जगह पर आपको दीवार इतनी ही चौड़ी मिलेगी, काफ़ी चौड़ी, एक लगभग सड़क के बराबर आपको दीवार ये चौड़ी नज़र आएगी। कुंभलगढ़ के किले में है दीवार चौड़ी, उसी प्रकार यहाँ पर भी है, लेकिन ये पूरी नहीं है। हालांकि इस किले के चारों तरफ ऐसी दीवार है, लेकिन सब जगह पे इतनी चौड़ी नहीं है। एक देखिए वो सामने जो रखी हुई है वो तोप है, वो भी तोप काफ़ी बड़ी है, उसको मैं आपको वहाँ जाकर दिखाऊंगा। वीडियो में बने रहिए। हाँ, एक कुएं नुमा कुछ बुर्ज सी बनी हुई है, ये सीढ़ियाँ हैं। तो ये है डी के किले की प्राचीर ऊपर से। अभी इसमें रिपेयरिंग का कार्य चल रहा है। आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया, काफ़ी गर्मी है, गर्मी का मौसम होने की वजह से आज यहाँ दर्शक नहीं है। यहाँ से देखिए डी के शहर का नज़ारा आप देख सकते हो। चलिए आपको ले चलते हैं दूसरी तोप के पास। दूसरी तोप जो एक चबूतरा सा बना हुआ है, इसके ऊपर रखी गई है। ये देखिए सीढ़ियाँ हैं, इन सीढ़ियों की सहायता से ऊपर तोप तक पहुँचा जाएगा। ये तोप भी काफ़ी बड़ी है। डी के इस किले में पांच बड़ी बड़ी तोपें रखी गई है, तीन तोप उधर साइड में रह गई है। अब थोड़ी गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, इसलिए वहाँ तक मैं शायद नहीं पहुँच पाऊँगा, लेकिन ये तोप आपको ज़रूर दिखाऊँगा। चलते हैं ऊपर की तरफ। डी के इस किले में एक बहुत बड़ा सा तख्त भी है, उसी तख्त पर भगतन सिंह अपने पुत्रों के साथ में सोता था। तो डी जाट राजाओं की ग्रीष्मकालीन राजधानी रहा है। तो ये चबूतरे का टॉप है और ये है दूसरी तोप, यानी चबूतरे के टॉप पर रखी गई ये दूसरी तोप है। ये भी काफ़ी बड़ी तोप है, देखिए ये तोप ऊपर इस चबूतरे से लिया गया ये दृश्य। ग्रीष्मकालीन राजधानी होने के कारण डी जाटों का गौरव कहलाता है, तो डी को जाटों का गौरव कहा जाता है। ये है भाई तोप, काफ़ी बड़ी है। सब चलते हैं नीचे की तरफ। ये देखिए दूर दूर तक दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा किले का ही भाग है। तो यही वो चबूतरा है जिसपे देखिए वो तोप रखी गई है। तो इस प्रकार ये था डी का किला। डी के किले में अभी मतलब मरम्मत कार्य चल रहा है, इसलिए कुछ जगह पे घूमने के लिए पाबंदियां थी, तो उस जगह पे मैं नहीं जा पहुंचा। इससे पहले वाला वीडियो जो डी के जलमेलों से रिलेटेड था, यानी प्रीवियस वीडियो देखना नहीं भूले, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें। यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और हाँ, यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स।
काम चल रहा है अभी भीतर। नागौर में जूती है, अच्छी रहती है, अच्छी रहती है, गर्मियों में अच्छी रहती है। कितनी चलती है? 700 रुपये।